Hello, greetings. Okay, right now I'm in a very divine place again. It's the Jeeva Samadhi of Surya Narayan Ji. He was an avadhut and he used to wander in this area. Not exactly wander, I'm right now standing in a house. Jagad hesarenu? नाड़ नादापुरा ओके ओके अभी मैं इस समय नादापुरा बोल के गांव है, गांव भी नहीं, एक टाउन है, वहाँ पे हूँ जहाँ पे है जीव समाधि सूर्य नारायण जी का। सूर्य नारायण जी बड़े पावरफुल सिद्ध थे इस क्षेत्र में और वो यहाँ आके इस घर में, अभी मैं जो रुका हूँ ये घर है, तो बड़े प्यारे लोग हैं यहाँ पे, तो इनके घर में वो रहते थे और यहाँ पे लोग उनकी सेवा करते थे। तो मैं आपको उनका रूम दिखाता हूँ जहाँ पे वो रहते थे, एक छोटा सा खोली में ऊपर टेरेस के ऊपर, और वो उसी में रहते थे। और लास्ट को जो उन्होंने देह भी त्यागा वो उसी रूम में उन्होंने त्यागा, तो वो बाकी के उनके जो चीज़ें हैं वो वैसे ही रखे हैं चीज़ें, यानी कि बस एक कॉट जैसा है वुडन वाला, उसके ऊपर ही उन्होंने अपना देह त्यागा था। और कहते हैं कि उस टाइम पे यहाँ जो अम्मा है रहती है, पिछले बार मैं यहाँ काफ़ी सालों से आ रहा हूँ, तो पिछले बार भी जब आया था वो अम्मा ने बताया था कि पूरा मौसम बदल गया था यहाँ पे कम्प्लीटली, और पूरा बादल छा गए कम्प्लीटली, और बारिश जैसा वो से एकदम संभावना एकदम भयानक सा लगा था वो जब देह त्याग रहे थे उस टाइम पे। तो इन लोगों ने, इस परिवार ने काफ़ी उनकी सेवा की है। और अद्भुत बात यह है, एक अम्मा है यहाँ पे, योगिनी अम्मा तलशेरी में, मैंने, अगर आप मेरे ब्लॉग पढ़ते हैं तो मैंने काफ़ी साल पहले से उनके बारे में लिखा है, मैंने 2-3 बार उनको मिला हूँ। उनके पास हम यहाँ से जा रहे हैं, तो वो तलशेरी नाम का जगह है, ये नादापुरा है। आचार्य बाबा के पास से एक आधा पौना घंटा लगता है वहाँ से इधर आने के लिए, सब एक ही बेल्ट में है। तो हम पहले जब अम्मा के पास गए थे, जो अवधूत है, जो अभी भी जीवित है, अभी भी वो निर्विकल्प समाधि में रहती है हमेशा, उनको शरीर बहुत तक नहीं है, तो उनको हम मिलने जा रहे हैं यहाँ से। तो उनके पास जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया था और उनके सानिध्य में बैठा था और काफ़ी ये किया, तो उस घर में मैंने एक फ़ोटो देखा था, बड़ा तेज़ था फ़ोटो पे, एक बियर्ड वाले कोई थे। तो मैंने वहाँ के लोगों को पूछा ये कौन है, तो उन्होंने बताया ये सूर्य नारायण जी है। तो मैंने बताया यहाँ कैसे इनकी फ़ोटो, तो बोले कि सूर्य नारायण जी यहाँ रहते थे पहले, जहाँ तलशेरी में जहाँ अम्मा रहती है अभी, वो यहाँ रहते थे, एक दिन अचानक यहाँ से घर छोड़ के चले गए। तो वहाँ से 1 घंटे की दूरी पे ये जगह है नादापुरम, तो वो सूर्य नारायण जी यहाँ आए। अब अवधूतों का क्या प्लान होता है, क्या होता है, हमको कुछ पता नहीं चलता, किसी को कुछ पता नहीं चलता। तो वहाँ से इधर आए और उन्होंने देह त्यागने से पहले ये भी कहा था कि मेरे जाने के बाद एक और व्यक्ति वहाँ पर आएगा, यानी कि वो घर में। और वैसे ही हुआ, जैसे उन्होंने यहाँ पर अपना देह छोड़ा, ये जीव समाधि है अगेन, मतलब स्वयं इच्छा से, इच्छा मृत्यु जो कहते हैं, बता के उस वक्त पे उन्होंने अपना देह त्यागा। तो उसके बाद अम्मा अचानक कहीं से तो आ गई, अम्मा कौन है किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है, अचानक वो घर पे प्रवेश कर गई वो, और उसके बाद आज तक वहीं रहती है। तो अम्मा के बारे में काफ़ी यहाँ पे तलशेरी में वगैरह सब लोगों को जानकारी है, काफ़ी TV चैनलों ने उनका कवरेज की वो सब, क्योंकि कहीं चमत्कार वगैरह होते हैं, आज भी है वो। अम्मा बड़ी प्यारी है, नानी जैसी है, बड़ी प्यारी है। शी डज़ नॉट स्पीक, वो बोलती नहीं है, कुछ नहीं है, उनको बोध ही नहीं है उस चीज़ का, लेकिन जब भी उनके सानिध्य में कोई बैठता है तो वो अलाउ करती है, उनकी इच्छा है अलग अलग तरीके से। उनके काफ़ी एक्सपीरियंसेस है जो मैं वहाँ जाने के बाद, अगर वहाँ पॉसिबल हुआ लाइव करने का तो मैं बताता हूँ, नहीं तो फिर ऑफलाइन वीडियो में बाद में डाल देता हूँ। तो हुआ यूँ कि इसी दिन 2014 में मैं अम्मा को मिलने आया था। अम्मा को मिले, बड़े खुश थे हम लोग सब, काफ़ी आधा पौना घंटा उनके साथ बैठे हुए, फिर वहाँ से हम निकल के सीधे यहाँ आए। यहाँ 1-1.5 घंटा लगता है वहाँ से इधर आने के लिए। तो यहाँ आके हम आचार्य बाबा के पास जाने वाले थे, सूर्य नारायण जी का समाधि है ये। जब हम यहाँ आए और इसी रूम में हम लोग बैठे थे, ये उनका रूम है जहाँ पे उन्होंने शरीर छोड़ा। मैं आपको इस रूम के बारे में दिखाता हूँ एक बार, इनका घर है, ये टेरेस है, ये गणपति जी बैठे हैं,
ये सूर्यनारायण जी का चित्र है। तो ये फोटो मैंने वहाँ पे अम्मा के रूम पे देखा था, और ये उनका छोटा सा एक कक्ष है, छोटा सा रूम है जहाँ वो रहते थे, और यही वो स्थान है जहाँ उन्होंने अपना शरीर त्यागा। तो फोटो थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। ये उनके जीवित समाधि का फोटो है, अभी हम देख सकते हैं। ये बड़े फॉर्चुनेट हैं कि उन्होंने फोटो निकाले थे। ये इनके हैं, ये जहाँ ये घर में बैठा हूँ मैं, ये इनका घर है। तो इनका परिवार अभी भी यहाँ रहते हैं। नारायण जी ऊपर की ओर है उनका सर, और इसी पोजीशन में उनका देह को यहाँ पे स्थान दिया गया। तो यही कमरा है जहाँ पे सूर्य नारायण जी अपना देह छोड़ते हैं। तो ये एक्चुअली उनका टेरेस है, और यहाँ से उनकी समाधि दिखती है जहाँ पे हम जाएंगे। ये बगल में ही उनका समाधि स्थल है। यहाँ पे सूर्यनारायण जी का जीव समाधि है। तो मैं ये कह रहा था, मैं जब यहाँ अम्मा को मिलने के बाद उस दिन 2014 में आज के दिन ही हम लोग यहाँ आए थे। 3-4 लोग थे मेरे साथ फ्रेंड, और गणपति जी भी थे। आके हम ये इस कमरे में बैठे थे, अचानक जो अम्मा यहाँ काम करती हैं, ये सॉरी ये घर पे रहती है जो ओनर हैं, उन्होंने बोला अम्मा आ गई। तो हम लोग सब सोचे कि अम्मा कहाँ से आ गई, अम्मा तो वहाँ है तलशेरी में। खिड़की से झाँक के देखता हूँ तो एक ऑटो में आके उतरी अम्मा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ के लोगों को पूछा अम्मा कैसे यहाँ, तो उनका और सूर्यनारायण जी का तो कनेक्शन है ही। तो यहाँ के लोगों ने मुझे बताया ये इनका खेल चलते रहता है, खेल खेलते ही रहते हैं ये लोग, कब क्या करते हैं कैसे करते हैं हमको किसको कुछ पता नहीं। तो हम लोग फिर भागे बाहर, तो अम्मा वहाँ रुकी थी थोड़ी देर के लिए, अम्मा बस देखते रहती है सबको उस तरीके से। तो हम जाके फिर पैर पड़े, हम वहाँ मिल के आए थे, फिर वहाँ रुक के काफ़ी देर, तो वहाँ रुकी रही। उसके बाद और एक विशेष चीज़ है यहाँ पे, एक बड़ी सरप्राइजिंग वाली चीज़ है। यहाँ से कुछ दूर पे, शायद एक 15 मिनट लगेगा, ये समुद्र तट है, इट्स अ सी शोर। तो किसी ने हमको यहाँ पे बताया आप आज वहाँ जाइए, आज वहाँ पे भंडारा है, खाना है। तो हमने बोला वहाँ क्या है, वहाँ अम्मा का मंदिर है बोले। तो अम्मा का मंदिर हमको कुछ समझ में नहीं आया, तो हम बोले कि चलो चलते हैं। ऑटो लिया हमने, अम्मा यहीं खड़ी थी देख रही थी सबको, हम ऑटो लेके हम चले गए। फिर समुद्र तट के पास गए, और वहाँ जाके क्या देखता हूँ, एक छोटा सा मंदिर है अम्मा का वहाँ पे, लेकिन अंदर जाके देखता हूँ ये तो समाधि है। तो मैं बड़ा चौंक गया और उनको पूछा कि अम्मा तो यहाँ है समाधि कैसे। उन्होंने बोला अम्मा ने ही निर्देश दिया है लोगों को कि ये समाधियाँ बांधा जाए, तो अम्मा जब शरीर त्यागेगी उनकी समाधि वहाँ होगी। तो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम मुझे शॉक लगा कि ऐसे भी होता है कि शरीर त्यागने से पहले कोई इस तरीके से बता के बंधवा के। तो उसी वक्त हम वहाँ रुके थे, सोचते कि ये क्या है, अम्मा आ गई, फिर ऑटो में आ गई। वो बड़ी खेल होता है उनको, हमको कुछ समझ में नहीं आता क्या होता है। तो हम बोले अम्मा यहाँ भी आ गई। फिर वहाँ खाना वगैरह चल रहा था, तो अम्मा आके वहाँ किसी के एक घर में बरामदे में आके लेट गई, इस तरीके से नित्यानंद बाबा लेटते थे उस सेम स्टाइल में, उनका अभी भी वैसे ही स्टाइल है, वहाँ लेट गई। तो हमको समझ नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि आज यहाँ खाना खा के जाना है वो लोग। तो हमने बोला ये प्रसाद होगा अम्मा का। तो बड़े खुशी से हम बोले कि हम वेट करेंगे, थोड़ा देर खाना बन रहा था, हम जाके समुद्र तट पे पानी में खेल रहे थे हम लोग 3-4 लोग। तो जब खेल रहे थे, एक आधा घंटा हुआ होगा, मुझे अचानक से कोई जैसा लगा
मैं घूम के देखा तो वहाँ पे एक दीवार थी समुद्र के तट पे। वो मैं अभी जा रहा हूँ, अगर शूट कर सके तो मैं आपको दिखाता हूँ। समाधि शायद बंद रहेगा लेकिन मैं उस जगह आपको दिखाता हूँ। तो मैं जब मुड़ के देखा, अम्मा झाँक के देख रही है इस दीवार के पीछे से, हम सब समुद्र पे खेल रहे। जैसे मैंने उनको देखा तो वो अनदेखा करके उस तरफ चली गई। इतना सुंदर लगा, एक माँ जैसे अपने बच्चों के बारे में सोचती है, ख्याल रखती है, उनका देख रेख करती है, इस तरह का एक अनुभव हुआ। एक माँ का प्यार, और इनका प्यार हम बता भी नहीं सकते, अनकंडीशनल लव जो बोलते हैं, कोई कंडीशंस नहीं, और वो बताएंगे भी नहीं, वो एक्सप्रेस भी नहीं करेंगे, वो बोलेंगे भी नहीं, वो अलग अलग तरीके से दिखाएंगे और आपको पता चल जाता है ये उनका प्यार है। तो हमारे जैसे ये लोग इजहार नहीं करते कोई चीज़, लेकिन कई सारे ऐसे मिस्टिकल चीज़ें हैं जो यहाँ के, मैंने ब्लॉग में लिखता नहीं हूँ ये सब पर्सनल, लेकिन ये जब अभी बोल ही रहा हूँ तो मैं पर्सनली शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए ये सब चीज़ें होती है अगर आप करोगे तो। तो और एक अद्भुत चीज़ ये हुआ था कि फ़र्स्ट टाइम जब हम आए थे तो मैंने वो घर में ये पूछा था इनको कि सूर्य नारायण जी का फ़ोटो तो लगा हुआ है, हमको पता नहीं है, हम आया यहाँ आए नहीं थे अम्मा के घर में। तो उन्होंने एड्रेस तुरंत पेपर पे लिख दिया और बोला कि आप जाओ वहाँ पे, समाधि में जाके आप ध्यान कर सकते हो। तो हम हाँ बोल के हम लोग निकले। टैक्सी था उस वक्त हमारे साथ था, और गणपति जी के पास वो लिस्ट था और पॉकेट में रह के हम सीधे गए अचार बाबा के पास। अचार बाबा के पास 2 घंटे कुछ बिताए हमने, फिर हम वापस कांजंगाड़ जा रहे थे नित्यानंद आश्रम, ये सब वही बेल्ट में है। तो वापस जाते वक्त कार बड़ी तेज़ी से जा रही है, आई थिंक 80-90 के स्पीड पे था। मैं ड्राइवर के बगल में बैठा था, लंबी सी गाड़ी थी, 8-9 लोग थे उस टाइम पे हम लोग, और जा रहे चले जा रहे चले जा रहे चले। अचानक मुझे याद आया कि सूर्यनारायण जी का एक समाधि रह गया और उसका एड्रेस, तो हमको कुछ पता नहीं कौन सा गाँव ये कुछ पता नहीं, स्पीड में जा रहे। तो मैंने तुरंत गणपति जी को बोला, गणपति जी आपके पास तो एड्रेस है, वो एड्रेस दीजिए किसी को, पूछ के हम कोशिश करते हैं, कैसे भी हम जा रहे हैं टैक्सी में। तो गणपति जी लेटे हुए थे, उठ गए टैक्सी में और फिर गाड़ी जा रही है तेज़ी से, उन्होंने एड्रेस दे दिया, गाड़ी तेज़ी से जा रही है। तो मैं एड्रेस देखा, मैं बोला ये कौन सा जगह है पता नहीं, कुछ तो गाँव का नाम था। तो मैंने बोला, ड्राइवर को पूछा, ड्राइवर बोला मुझे भी मालूम नहीं है। तो बोला किसी को पूछते हैं, गाड़ी तेज़ी से जा रही है। तो अचानक 2 लोग जा रहे थे छाता पकड़ते हुए, मैं बोला चलो इनको पूछते हैं। अचानक बहुत नज़दीक से आ गए तो उन्होंने अचानक ब्रेक मारा फुल स्पीड में और ठीक उनके बगल में आके रुके। तो छाता लेके जो जा रहे थे, मैंने बोला आपा, कांच नीचे करके मैंने बोला आपा ये एड्रेस ज़रा बताइए। पता है उन्होंने क्या बोला? ये रहा एग्जैक्टली साइड में एक रोड था, उन्होंने बोला ये रोड से अंदर जाओ वहीं पर समाधि मिलेगा आपको। वी वर ऑल शॉक, ये कैसे हो सकता है? मतलब ऐसी चीज़ें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें जो एनर्जी होती है, जो कॉस्मिक पैटर्न्स होते हैं, जो ग्रिड्स होते हैं, जो काम करते हैं, उसको आप कृपा बोलो, उसको आप ब्लेसिंग बोलो, उसको आप एनर्जी बोलो, उसको कुछ भी बोलो आप, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के दरमियान अगर आप आ गए तो एक पर्टिकुलर तरीके से एक वेव होता है उसका, वो आपको कराती है उस तरीके से। तो मैं सुपरस्टिशंस में नहीं डालना चाहता किसी को कि किसी ने व्यक्ति विशेष ये किया वो किया वो किया, कुछ नहीं है, ये हमारा भाव है। जब हम वो भाव से जुड़ जाते हैं, जब उस पैटर्न में हम गिर जाते हैं, तो हम वो वेव के साथ चले जाते हैं और जो हमारी इच्छा या जो भी हमारे थॉट पैटर्न्स है, जो भी उस समय में हमारा हाईएस्ट के लिए होना है, वो होता है उस तरीके से। तो ये ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो ये सब मैं ब्लॉग में तो नहीं लिख सकता, छोटी मोटी बातें जैसे लगती है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये लोगों को थोड़ा ये करेगा, तो मैं सिर्फ साइंटिफिक चीज़ें ही डालता हूँ बाहर बाहर के। तो ये मैं अभी जस्ट अभी मुझे याद आया था, मैंने बताया। तो अभी हम मैंने आपको रूम दिखाया, जिसने भी लेट ज्वाइन किए वो बाद में देख सकते हैं इसको रिकॉर्डिंग। जो अभी हम समाधि में जाते हैं, थोड़ा देर में शायद पॉज करूँ क्योंकि मैं घर के अंदर से जा रहा हूँ, हम लोग अंदर है ऊपर है, तो ये जो परिवार है उनके घर के अंदर से जा रहा हूँ। अगर स्टॉप करूँगा तो होल्ड कीजिएगा, जस्ट 1-2 मिनट लगेगा, फिर मैं रिज्यूम करूँगा। अगर ऑन है तो ऑन है, तो मुझे पता नहीं जैसे होगा ऐसे। गणपति हो रहा है कौन वा चाहे वो बना, कैमरा ऑन है ना। क्लोज मार देगा।
आज मैं सोचा इतने लोग कैसे लाइव, फिर मुझे याद आया आज तो संडे है। हम लोग आ रहे हैं मम्मी। तो हम उनके घर से निकले हैं बाहर। बड़े प्यारे लोग हैं होंगे, क्योंकि ऐसे महात्मा के साथ सानिध्य में रहे हैं, उनकी सेवा की उन्होंने, और ये सब उनका ही जगह है। तो उन्होंने बाद में डेवलप कराया और फिर इसको अच्छे से मेंटेनेंस करा रहे हैं। ये स्वामी जी है यहाँ पे जो पूजा वगैरह करते हैं। അമ്മച്ചി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കണ്ടിരുന്നു. ആ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ കണ്ടിരുന്നു. ആ കണ്ടിരുന്നു, അമ്മ വന്നിരുന്നു ആ നേരത്ത്. ആ നിങ്ങളിവിടെ തന്നെയാ? ഇല്ല, നിങ്ങളിവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ തന്നെ വന്ന്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹർ ഹൗസ്, ഇൻകൈ ഘര. ആമാ ഇതിനോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങോളം പോട്ടെ, വേറെ നമുക്ക് എന്തിന്നാ? വേറെ പൈസ കൊണ്ടോ പണം കൊണ്ടോ ഒന്നല്ല നമുക്ക്, ഇതൊക്കെ തന്നെ സേവനം. അമ്മക്ക് പൈസെ കുറ്റ് നീ ഹോത്താ യോത്ത हमारा अभी और कोई उद्देश्य नहीं है, बस यही उनकी जो भी है सेवा करते हैं। पेट्टन ओर्म वन कई प्रशा अम्मची वन अम्म वन ता अवड़े नम इवे वीडियो एड़को वराम। अच्छा, ये वेरी फॉर्चुनेट टू मीट देम। ये इनका समाधि है सूर्य नारायण जी का। मैं आपको बताऊं, ये बड़ी पावरफुल समाधि है। ये अंदर जाने के लिए मुझे अपना शर्ट निकालना पड़ेगा, यानी अर्ध निर्वस्त्र होना पड़ेगा यहाँ पे ये फॉर्मेलिटी से। तो एक दो मिनट रुकिए, मैं बस गणपति जी के हाथ में देता हूँ। मैं शो यू ऑफ द समाधि। समाधि में उन्होंने वो टॉप कवर नहीं करते हैं, वो बस जैसे ही महात्मा को उतारते हैं पूरा विभूति से भरते हैं उसको, भस्म से, और कम्प्लीटली ऊपर भस्म से भरते हैं, ऊपर से कोई कवरिंग नहीं होता। तो भस्म वगैरह ऐसे ही है, यानी कि वो फ्रेशली उसके नीचे बैठे हैं। और उनका फोटो भी है वो लास्ट इसका, एक सेकंड बोल दीजिए। अंदर मुझे ही गई लीजिए। ಬರ್ತೀರಾ? ಏನು ಚಿತ್ರ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪನ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕಾ ಸ್ವರೂಪ್ ಏನು ಸಮಾಧಿ ಕಾ ಫೋಟೋ ಹೇ ಥೋಡಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಲಗ್ ಸಕ್ತಾ ಆಪ್ಕೋ ಲೇಕಿನ್ ಯೇ ये लास्ट मोमेंट को अन्न वगैरह त्याग देते हैं और कंप्लीटली इस मोड में बैठ जाते हैं। तो इसी तरह उन्होंने समाधि ली थी, और कि उनका फोटोज है दूसरे।
ये आपको भस्म दिख रहा है, ये अभी थोड़ा बंद है क्योंकि परमिशन दिया।